साल की उम्र से बस मैं बेवा की जिंदगी जी रही हूँ, एकदम से बेवा की जिंदगी जी रही हूँ। बाद में मैं इधर आई, एजेंट ने मेरे को बोला फ्री वीजा है, मैं इधर आई, इधर आई बच्चे लोग के संभालने के लिए आई, पैदा करके छोड़ एक चूतिया के लिए मैंने इधर आई। वो मेरे को बुला के ना इतने आज दिखाया, इतने आज प्यार से बुलाया, आ जा आ जा आ जा करके मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी। इधर आई, इधर देखो सब बांग्लादेश वाले लायक ऐसे नहीं रहते। सब भाई की शादी में भी मैं नहीं जा सकती है, देखो ये पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए ना ना हम अच्छे में जा सकते ना बुरे में जाते, ये पैसा बहुत बुरी चीज़ है, क्या करेंगे। तो देखो इंसान खाली हाथ ही आए, खाली हाथ ही जाएंगे, मरेंगे तो कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। 10 बार हमारे को खबर को याद करना चाहिए, बंगला सब ये दुनिया में रहता कि बंगला गाड़ी पैसा ये कपड़ा सब कुछ सभी छोड़ के जाने का है, माँ पेट से जैसा है वैसे ही चाहेंगे, सही है ना। बस नीयत साफ रखो बस। दुनिया में कुछ नहीं मिला मेरे को, बाद में मैं इधर आई, फ्री वीज़ा मिला तो मेरे को इधर आए, एजेंट ने मेरे को इधर भेजा था, मैं इधर आई। बाद में मैंने किसी को बात नहीं करते थे मेरे को भी। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये है कि यहाँ की सकाला के बारे में बताएंगे, मतलब कि यहाँ की नौकरानी के बारे में, कि इंडिया से क्यों लोग आते हैं। और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, ये एक लड़की है, मतलब प्यार में धोखा खाई है, तो वो सऊदी आई, तो अपनी पूरी दास्तान बताती है, मैं यहाँ क्या करती हूँ, कैसे हमको प्यार में धोखा मिला, कैसे लोग हमारे साथ बर्ताव किए, इस वीडियो में पूरा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख के आप लोग थोड़ा सा बताइएगा क्या इस लड़की के साथ में गलत हुआ कि सही हुआ। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, लास्ट होने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा उस लड़की, उस बहन के लिए, कि मतलब कि वो सही की कि गलत किया। तो आप लोग का कमेंट चाहिए जरूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। सलाम अलैकुम, सब लोग कैसे हैं, खैर खैरियत है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे मुल्क में सब लोग कैसे हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब भाई लोग को मेरा सलाम, जितने भी बहन लोग हैं उनको मेरा सलाम। वो थोड़ा वीडियो बनाते बनाते थोड़ा आवाज़ दे दिए थे, इसके लिए चले गई थी मैं, सॉरी। थोड़ा आधा वीडियो बनाई मैंने, आधा वीडियो नहीं बनाई। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, देखो ये प्यार के लिए तो बोलना चाहती हूँ, झूठे प्यार में फंसाते ना ये लोग के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। देखो मेरी भी तो पहला लाइफ ख़राब थी, मैंने भी 10 साल से ही ली थी, एकदम से टूट के बिखर गई थी। मेरे हस्बैंड के बोलते ही रहते हैं तुम्हारे को, इतना मेरे को परेशान करता था, इतनी तकलीफ देता था, मैंने तो कभी प्यार से बात करने वाला मिला ही नहीं, आता था गाली गलौज मार तोड़, यही मेरे दिल में डर बढ़ गया था एकदम से। मैंने किसको आज तक मैंने किसको प्यार नहीं करी, इतना किसके चक्कर में पड़ी। मेरी भी 14 साल में शादी हुई, 17 साल में मेरे 3 बच्चे, 17 साल की उम्र से बस मैं बेवा की जिंदगी जी रही हूँ, एकदम से बेवा की जिंदगी जी रही हूँ। बाद में मैं इधर आई, एजेंट ने मेरे को बोला फ्री वीजा है, मैं इधर आई, इधर आई बच्चे लोग के संभालने के लिए आई, पैदा करके छोड़ दिया। एक बोलते ना एक जानवर पैदा करता ना, वैसा पैदा करके बच्चे लोग को छोड़ दिया, बच्चे लोग को भी याद नहीं, उस माँ है ना, माँ नहीं छोड़ सकती। मेरे को दूसरे भी मिले, दो चार तीन जो चार जन भी मिले मेरे को, मैं जिधर काम करती थी वो लोग मेरे को मिलते थे काम, जिधर मैं जाती थी शादी हॉल में इधर उधर जॉब करने बाहर बाहर जाती थी ना, ऐसे मिलता था ना, सभी यही बोलते थे तो हमारे पास आ जा, हम तेरे को निकाह करेंगे, तेरे बच्चे लोग को हॉस्टल में डाल दे, मदरसे में डाल दे, इधर डाल दे उधर, बच्चे लोग को कोई संभालने वाला मिला नहीं, मेरे को ज़िंदगी देने वाला आया। सब लोग आए मेरे बच्चे को ज़िंदगी प्यार दे, उनको तो बाप का प्यार चाहिए था ना, तो ऐसे को मैं देखी, देखो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसे के पीछे कभी भागी नहीं, बस मैं प्यार के लिए भागी ना, उसके बंगले से देख के मैं प्यार नहीं हुआ था, उसकी गाड़ी से देख के प्यार नहीं था, उसके पैसे से देख के मेरे को प्यार नहीं हुआ था। देखो इंसान खाली हाथ ही आए, खाली हाथ ही जाएंगे, मरेंगे तो कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, 10 बार हमारे को खबर को याद करना चाहिए, बंगला सब ये दुनिया में रहता कि बंगला गाड़ी पैसा ये कपड़ा सब कुछ
सभी छोड़ के जाना है, माँ पेट से जैसा है वैसे ही चाहेंगे, सही है ना? बस नीयत साफ रखो बस। दुनिया में कुछ नहीं मिला मेरे को, बाद में मैं इधर आई, फिर ही वीज़ा मिला तो मेरे को इधर आए, एजेंट ने मेरे को इधर भेजा था, मैं इधर आई। बाद में मैंने किसी को बात नहीं करते थे, मेरे को भी बहुत ईमो में बहुत बहुत नंबर आते थे बंगाली लोग के, मैंने किसको बात नहीं करी, सब मैं ब्लॉक कर देती थी, मेरे को डर लगता था कौन कैसा है कौन कैसा नहीं करके, मैं किससे भी बात नहीं करी। बाद में मेरे को एक मिला, मेरे को एक मिला, बाद में एक मिला, मैंने उसके ऊपर बहुत भरोसा करी थी, बहुत भरोसा करके उसको मैंने प्यार करी, तुम्हारे बंगाल देश का था, उससे मेरे को प्यार हो गया। हमारा 3 साल से रिलेशन था, 3 साल से हमारा प्यार था, बहुत दिन निकलता था मेरे को बात करता था, रात हुई तो मेरे को बात करके, मेरे को नींद आ रही बोलते तो बोलता था नहीं मेरे से बात कर, नहीं मेरे से बात कर, थोड़ी बात कर थोड़ी बात कर, ऐसा करता था। मैं बोली ठीक है, वो नाराज़ हो जाएंगे करके मैं इसको बात करती थी। मेरे को सुबह में उठ के काम करना पड़ता है, वो लोग सुबह में उठते 10 में सजा दे के रखती, ये काम करो वो काम करो ये काम करो, ऐसा। बाद में मेरे को प्यार का नाटक करा, 3 साल मेरे साथ भी खेल खेला, बाद में छोड़ दिया, एकदम एकदम ब्लैक कर दिया। जब भी मेरे को इतना दुख नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड को छोड़ के मैं आई, मैंने इधर तड़पी उधर तड़पी, जब भी मेरे को इतना दुख नहीं था, मैंने को ब्लैक कर दिया ना, जब इतना दुख हुआ ना, ऐसा लगता था कुछ करके मर जाओ। और मेरे बच्चे लोग का सोची, मेरे बच्चे लोग को कौन देखेगा, मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे लोग को कौन देखेगा, अभी मेरे बच्चे लोग को कोई संभाल रहा नहीं तो मेरे बच्चे लोग को कोई नहीं, बस बच्चे लोग के लिए मैं जिंदी हूँ, बस याद आती है उसकी। जब जब मैं उसको टिकटॉक में भी देखती हूँ उसका फोटो, उसके बहुत उसको देखती ना, बहुत मेरी जान जलती है, ऐसा लगता है उसको जाके अभी वो मिल जाएगा ना सामने, ऐसे इतने वार करूँ ना उसको जाके, उसको जिंदा दफन कर दो, ऐसा लगता कभी कभी। मेरे साथ में इतना, पहला ही मैं टूट गई थी तो मेरे साथ में इतना बड़ा खेल खेला हुआ, कोई दूसरा मिला नहीं क्या तेरे को खेल खेलने को, मैनेज मिली थी क्या? मैं तो मेरे ऐसी के साथ तूने खेल खेला ना, अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा तेरे को, मेरी बदवा है ये, मगरिब के टाइम पे मरती है, रात के टाइम पे मैं बोल रही, कभी तेरे को माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह देख लेना, तू मेरे दिल की बदवा बहुत लिया, तेरे को कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा तेरे को अल्लाह। मैंने तेरे पैसे से देख के तेरे को प्यार नहीं करी थी बस तेरे से, अभी के लड़कियां तेरे बैंक बैलेंस क्या है, तेरी औकात क्या है, सब पूछते जब भी प्यार करते हैं, तेरे औकात से ही रहेंगे तेरे को प्यार करते। मैंने आज तक एक दुपट्टा नहीं ली, मैंने तेरे लिए सब कुछ करी, मेरे को जो अच्छा लगता था मैंने तेरे लिए लाई, मैंने सब कुछ तेरे लिए मैंने करी, क्यों? मैं तो घर में रहने वाली, मेरे को तो कोई नहीं देखेगा, देखो बाहर रहने वाले देख के मेरे को अच्छा लगता था, इतने मैंने तेरे को गिफ्ट दिए, इतना तेरे को हर कुछ सब की दी, तेरे को एक दिन में मेरी याद नहीं आई, लड़के लिए खुद लेते गिफ्ट, मैंने खुद तेरे को दी, हाँ इतना भी एहसान नहीं है तेरे को, एक गिलास भी पानी पियेंगे ना किसका तो एहसान रखते, तो एहसान भूल गया, एक कुत्ते को एक बार मैंने खाना खिलाएंगे ना, वो जिंदगी भर तक मेरे दरवाजे पे बैठेगा, मेरे पीछे पीछे आएगा, इंसान लोग एहसान भूल जाते है ना, ऐसे लोग को तो 10 बार मैं थूकूंगी, ऐसे लोग को तो ऐसे बार को 10 बार, तो मेरे को दिख रहा ही नहीं, तो दिख जा, तो दिख जा, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, कसम खुदा की मैं बोल रही, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, जिंदा दफन करूंगी मैं जिंदा, तो मेरे को तू मिल जा मेरे हाथ में, तो मेरी जिंदगी में खेल खेला ना, तो मिल जा, तो मेरे को इधर बुला के तड़पाया ना, मैं जितना तड़पी एक एक दिन मैंने इस जैसा जैसा तड़पियो ना, अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरे आंसू का, मैं बेवा का, मेरे आंसू का खतरा खतरा का तूने मेरे को हिसाब देना पड़ेगा तेरे को, तू बेवा की बदवा लेना ना, तो किधर भी नहीं रहेगा सुकून, तू बर्बाद हो जाएगा, तो अल्लाह खुदा है तेरे को बर्बाद कर देगा, देख देख तू तू देख, तू मेरे को दिखेगा भी ना चुप जा, मेरे सामने आ मत, देख
मैं जितनी अच्छी भी हूँ ना उतनी बुरी भी हूँ, तो मेरा अच्छापन देखा ना, मेरा बुरापन नहीं देखा ना, तो मिल जा मेरे हाथ में, जब ही मैं बताऊँगी तो मिल जा, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। चलो भाई लोग सब तुम दुआ में याद करो, अल्लाह हाफिज़, मेरे को बस दुआ दो, बस बस तुम्हारी दुआ चाहिए मेरे को, बस तुम लोग सब मेरे को दुआ दो, मेरे को हिम्मत दो, बस मेरे को वो शैतान को भूल जाने की हिदायत दो, बस मेरे को सब्र दो। अल्लाह तो दे रहा मेरे को सब्र, तुम लोग भी सब्र दो मेरे को, बस तुम भी सब मेरे को प्यार दो, बस भाई लोग की तो मेरे को दुआ चाहिए, बहन लोग की भी दुआ चाहिए मेरे को, बस दुआ दो तुम लोग सब। चलो गलती रहे तो मेरे को माफ़ कर लेना, सब लोग मेरे को माफ़ करो। अब देखो मेरे भाई की आज शादी है इंडिया में, भाई की शादी में भी मैं नहीं जा सकती है, देखो ये पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए ना, ना हम अच्छे में जा सकते ना बुरे में जाते, ये पैसा बहुत बुरी चीज़ है, क्या करेंगे। देखो खुद के भाई की शादी में मैं नहीं जा सकती, बस इस चूतिया के लिए मैं नहीं इधर आई, वो मेरे को बुला के ना इतने आज दिखाया, इतने प्यार से बुलाया, आ जा करके मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी, इधर आई। इधर देखो सब बांग्लादेश वाले लायक ऐसे नहीं रहते, सब लोग आते 50% अच्छे, 50% ऐसे है, तुमको बुरा लगेगा तो माफ़ करना, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, पाकिस्तान वाले बांग्लादेश वाले सभी ऐसे है, लड़की लोग को फंसाते। देखो हम भी काम करने आते, हम भी मुश्किल में हैं, हम भी प्रॉब्लम है, हम भी घर संभालने के लिए हम लोग आते इधर, हम टाइम पास करने के लिए नहीं आते, हम लोग इतने गिरेले नहीं है इधर, फालतू नहीं है, फालतू के नज़र से बुलाते तुम लोग वो लोग को, प्यार में सब कुछ तुमको तुम जो बोलेंगे वो हम करते तुम्हारे प्यार के लिए, तुम नाराज़ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल नहीं दुखना चाहिए करके, बाद में तुम लोग रोड पे छोड़ देते हमको, रंडी बना के छोड़ देते ना, फालतू बना के हम छोड़ देते ना, हम फालतू लगते तुम्हारे को, फालतू लगते क्या बताओ ज़रा, बाद में ब्लैक कर देते, ब्लैक करने में इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है ना उसको भी मालूम है। चलो दुआ में याद रखो, ऐसा करो मत किसके साथ में, कोई लड़की के साथ में, अभी भी मैं उसको भूल नहीं पाती, अभी भी मैं उसको जान से भी ज़्यादा मैं उसको उसके ऊपर भरोसा करके मैं इधर आई थी, वो मेरा भरोसा एक पल में तोड़ के तोड़ दिया, बहुत दुख होता है, क्या करेंगे, प्रदेश में कोई है ही नहीं, इधर लावारिस की हम जिंदगी जी रहे, इधर तो ऐसा लगता है कोई बात करना, मैं तो पहला टूट के बिखर गई थी, एकदम से मेरा टूट गया था, सब कुछ टूट गया था मेरा, कोई नहीं था मेरा, मैं इसके लिए इधर आई, इसके लिए मैं इधर आई, हाँ इसके लिए मैं इधर आई, तो आके मेरे को वो मिला था, मेरा पूरा मैं पहले का पूरी दुनिया भूल गई थी वो मिलने से, मेरे को एक तो बहुत अच्छा लगता था उससे बात करके, मैं उससे दिल बहलाती थी, उससे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था मेरा सब कुछ इधर है, मेरा पूछने वाला है, मेरा दर्द करने वाला है, मेरे को लगता था ऐसा, बाद में एकदम से मेरे को छोड़ दिया, एकदम से रोड पे छोड़ दिया मेरे को, किधर की नहीं बना दिया, एकदम रोड पे लावार इसके जैसा छोड़ दिया, क्या मिला उसको ऐसा करके, क्या मिला क्या मिला, कुछ मिला क्या, दूसरी शादी हो गया, शादी हो गया तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, बताओ ऐसे लोग है दुनिया में, क्या करेंगे, उसको लोग को अल्लाह का भी डर नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो उस बहन के लिए आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि बहन ने सही किया कि गलत किया जो आके घर की जिम्मेदारी लिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हाँ आप हमारी वीडियो जहाँ तक पहुँची प्लीज़ आप लोग बताइए कि यहाँ तक वीडियो पहुँची है, कौन कौन देखा है, अपना नाम सहित लिख के बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।